नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर से आपके लिए एक बहुत ही शानदार होम रेमेडी लेकर आई हूँ। आज के उपाय में यानी कि आज के घरेलू नुस्खे में मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे अपने बालों को झड़ना रोक सकते हैं, साथ ही साथ उन्हें लंबा, काला और घना बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करती हूँ। पर मैं आज की वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी कि आप मेरी इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखें, जिससे आप सही तरीका जान पाएंगे इस नुस्खे को लगाने का और बनाने का। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे आपको मेरी न्यू वीडियोस के कंटिन्यूस अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आज का ये घरेलू नुस्खा शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमें आज के जो इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करने हैं वो है पहला मेथी। मेथी आपको आपके घर में आसानी से मिल जाती है दोस्तों, आप इसका सब्जी वगैरह बनाने में इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों हमारा जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो है नींबू यानी कि लेमन। लेमन भी आपको घर में आसानी से मिल ही जाता है, नहीं तो ये काफ़ी आसानी से बाज़ार में भी आपको मिल जाता है। तो हम आज दो चीज़ों का उपयोग करेंगे, मेथी और नींबू। अब मैं आपको बताऊँगी कि आपको मेथी और नींबू का करना क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले आप मेथी को रात भर पानी में गला कर रख लीजिए। जब आप उसे रात भर पानी में गलाएंगे तो वो कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगी। ठीक है दोस्तों, अब आपको करना क्या है, आपको एक साफ बाउल या एक कटोरी लेनी है साफ, उसमें आपको इसका पानी इस तरीके से निकाल लेना है। देखिए दोस्तों इस तरीके से आपको पानी निकाल लेना है। आप चाहें तो इसका पानी छान भी सकते हैं, बट इसका पानी रात भर जब मेथी पानी में गली रहती है तो इसका पानी थोड़ा सा थिक हो जाता है, यानी कि थोड़ा सा भारी पानी हो जाता है, तो छनने में दिक्कत करता है। इसलिए आप इसे इस तरीके से चम्मच की मदद से भी निकाल सकते हैं। तो ये रहा मेथी का पानी। अब आपको मेथी के पानी में करना क्या है, आपको मेथी के पानी में पहले नींबू लेना है। इस नींबू को इस तरीके से काट लीजिए। जब आप इस नींबू को काट लेंगे दोस्तों तो आपको इस तरीके से लगभग आधी चम्मच, ये देखिए दोस्तों लगभग आधी चम्मच नींबू का रस इसमें इस तरीके से डालना है और मिला लेना है। यानी कि अगर आप 4 चम्मच मेथी का पानी ले रहे हैं तो आपको आधा चम्मच नींबू का रस लेना है। अगर आप ज़्यादा मेथी का पानी ले रहे हैं तो आप नींबू के रस की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से इसे अच्छी तरीके से मिला लीजिए और जब ये इस तरीके से अच्छे से मिल जाए तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको इसे कैसे अपने बालों पर लगाना है। ठीक है, आपको इसे अपने बालों पर कैसे लगाना है, सबसे पहले आप अपने बालों को वॉश कर लीजिए, उसके बाद अपने बालों को टॉवल से पोंछ लीजिए, उसके बाद इस रस को आपको बालों की जड़ों पर लगाना है। जिस तरीके से आप अपने बालों पर तेल लगाते हैं उसी तरीके से आपको इसे अपनी बालों की जड़ों पर और अपने बालों की लंबाई पर लगाना है और सूखने के लिए छोड़ देना है। जब ये अच्छी तरीके से सूख जाए तो उसके बाद आपको अपने बालों को सादे पानी से धो लेना है। आपको इसे हफ्ते में 2 से 3 बार करना है दोस्तों। आप इसे हफ्ते में 2 से 3 बार करेंगे तो 1 से 1.5 महीने में आपको आपके बाल बहुत ही ज़्यादा लंबे और चमकदार प्राप्त होंगे। दोस्तों आपको इसे बहुत ज़्यादा भी उपयोग नहीं करना है कि आप इसे डेली डेली कर रहे हैं, नहीं, आपको इसे हफ्ते में 2 बार करना है 3-3 दिन के अंतर्गत में। सो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके भी बताएं, साथ ही साथ आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपसे फिर मिलूंगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।